बाद अगर आपको एनएफटी लेना है, आई थिंक ओपन सी पे भी जाके ले सकते हैं, उसके ओपन बारे सी में पे जाके डिस्कस। ले सकते हैं, उसके लिए आपको इथेरियम की जरूरत पड़ेगी और इथेरियम में ही पेमेंट करना पड़ेगा उसका। तो आज के बाद जो एनएफटी लेना चाह रहे हैं आप ओपन सी पे जाके ले सकते हैं, बट आप जो है हाइपरनेशन का वो पार्ट नहीं बन पाएगा। तो जो लोग $100 से पर्पल बॉक्स लिए हैं, $100 से जो येलो बॉक्स लिए हैं, या $10,000 से जिन्होंने पर्पल बॉक्स लिए हैं, आप हाइपरनेशन में शिफ्ट कर लीजिए, मूव कर लीजिए। जिसका अभी भी नहीं हुआ है आप उसको मूव करिए, नहीं हुआ है तो फिर वो सपोर्ट पे जाइए। खास करके जो पर्पल बॉक्स जिन्होंने लिया है, आई थिंक सबका जिन्होंने ले लिया है कंप्लीट हो चुका है। सर सचिन सर रह गए थे, उनका भी हो गया था, कल उनकी टीम में एक पर्पल बॉक्स आया था तो कंप्लीट हुआ कि नहीं, मीटिंग में भी नहीं, मीटिंग में तो नहीं आए हैं। सचिन सर आप आए हैं क्या मीटिंग में? आए हो तो प्लीज हैंड टच करिए। ओके नहीं आ पाए, ठीक है। तो अच्छा शायद उनको लिंक नहीं मिला। ठीक है, रूम फुल हो गया है, कई लोग परेशान हो रहे होंगे, तो जो जो लोग डबल डिवाइस से हैं प्लीज आप एक सिंगल डिवाइस से आ जाएं, या और आपके जो लोग एनएफटी ले लिए हैं तो कुछ लोग चाहें तो क्यूट कर सकते हैं। अगर आपकी जरूरत ना हो तो हम एनएफटी पे काम करेंगे, लास्ट में हम जो है बाइनेंस पे आएंगे, जिसका पैसा फंसा है उसको थोड़ा सा कंप्लेन करेंगे। तो यही है, तो कुछ लोग अगर नए लोगों को जगह देने को तो अच्छा रहेगा। चलिए वेरी गुड, तो डबल डिवाइस है प्लीज आप क्यूट कर लीजिएगा। आप भी तो अभी हमारे पास 1 से 1.5 घंटा है, इवन हम ये बोल सकते हैं शायद कि जब तक आपका उस पे बैक ऑफिस पे एनएफटी जब तक मिले तब तक आप परचेस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पर्पल बॉक्स किया था तो 9:30 बजे क्लोज हो गया था, बस चल रहा था तो हम लोग दिन भर परचेज किए थे। हाँ क्यों विपुल सर, ऐसे ही था? सॉरी सर, क्या बोला आपने? एक मिनट, मतलब ये बोल रहे हैं कि 9:30 बजे क्लोजिंग होने के बाद भी अगर मिल रहा है एनएफटी तो ले लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, हम लोग जैसे जैसे पर्पल के पर्पल लिए में किए। हुआ यस था, जब तक आपको यस बटन वही दिख बोल। रहा है परचेज ना हुआ कर लीजिए। हेलो, हाँ हाँ अभी तो मीटिंग में है, मीटिंग के बाद फोन कर लीजिएगा। हाँ मीटिंग के बाद, या हैंड रेस कर लीजिए, आप मीटिंग ज्वाइन करके हैंड रेस कर लीजिए। ओके तो चलिए, आज आपका पर्पल बॉक्स, आज आपका जो है येलो बॉक्स, हम 3-4 दिन सारे लीडर्स बहुत बिजी थे, हम लोग भी बहुत बिजी थे, कल से थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। तो ये जिन्होंने ले लिया है और जो अभी भी नहीं लिया है आज ले सकता है, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, खास करके वो जरूर ले ले जिनके पास टीम है। जिनके पास टीम नहीं है वो ना ले चलेगा, लेकिन जिनके पास टीम है उनको पर्पल बॉक्स लेना चाहिए। आगे का कितना माइग्रेशन होगा, क्या होगा, तो आपके पास पर्पल बॉक्स रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे बिलीव है आप फ्यूचर तलाश रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। तो मैं कुछ लोगों का ले लेता हूँ, जो लोग अभी भी करना चाह रहे हैं आप देखिए, और टाइम नहीं है तो हम इनको करते जाएंगे और आप पीछे से करते जाइए। सर वो आपने बोला था ईमेल चेंज करने के लिए, वो चेंज कर दिया है सर, बट मेरे जो एनएफटी है वो आए ही नहीं है सर। आपका प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था सर, एड्रेस गलत हो गया था सर, जो हाँ एचएस से वो नहीं किया होगा, था। एड्रेस गलत एड्रेस में आप डिपॉजिट कर दिया, वो नहीं आएगा सर। ठीक है सर, ईमेल आईडी चेंज किया ना सर, ईमेल आईडी चेंज करने के बाद जो यूजर नेम है वो नहीं ले रहा सर, यूजर नेम नहीं ले रहा, हाँ वो बोल रहा है वो कि ऑलरेडी जो है ऑलरेडी वो मतलब उस पे ले रखे है ना आपने, इसलिए ऐसा लिख के दे रहा है वो। अभी $100 से है तो विपुल सर क्या कर सकते हैं इनका, हम ऑलरेडी इन्होंने कहीं और एनएफटी भेज रखा है, और एनएफटी अब चूंकि इन्होंने क्लेम भी कर रखा है। एनएफटी भेज दिया या $100 भेज दिया? उनका $100 मिसिंग है ना।
डॉलर की एनएफटी मिसिंग है, कहीं और भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्लेम भी कर रखा है, अब दूसरा एनएफटी ये परचेस तो कर ले रहे हैं, लेकिन जब क्लेम पे जा रहे हैं तो क्लेम नहीं हो पा रहा, चूंकि ऑलरेडी जैसे हम लोग को हो रहा था। तो इसमें ना आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है कि आपको है ना पहले तो वो अनबाइंड वाला फॉर्म फिलअप करना है, बराबर है, गूगल फॉर्म। हाँ, गूगल फॉर्म। तो आप है ना गूगल फॉर्म भर दीजिए, और वहां पे आपके जो एनएफटी है ना, आई मीन जो पुराना ईमेल आईडी है जिससे आपने एनएफटी बाय किया था, वो डिटेल्स डाल के आप वो फॉर्म भर दीजिए। वो फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक HNFT के लिए नया ईमेल बनाना है, बराबर है। हाँ। तो अभी और आपको वो अभी कर लेना पड़ेगा 9:30 से पहले, भले वो फॉर्म कभी भी अनबाइंड हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गूगल फॉर्म भर देना है, फिर आपको क्या करना है हाइपर NFT के लिए एक नया ईमेल से अकाउंट क्रिएट करना है, वहां से NFT बाई करनी है, और उसी ईमेल से नए वाले ईमेल से हाइपर नेशन में अकाउंट बना के उसको वहां पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आप जब यूजर नेम डालोगे वहां पे, बराबर है। हाँ। और आपको है ना ये भी करना रहेगा, देखो ये है ना आपका केस थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एक तो आपने दूसरे को ट्रांसफर कर ली, कल है ना JP सर, कल एक पर्सन थे, उनका पर्पल बॉक्स हमने कैसे कंप्लीट करवाया कि भाई उनका ऑलरेडी है ना हाइपर एनएफटी ट्रांसफर हो चुका था, तो उन्होंने उनका है ना मैंने हाइपर वर्स के अंदर ईमेल चेंज नहीं करवाया, ठीक है, हाइपर एनएफटी का नया अकाउंट बनवाया, उन्होंने परसों गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया था। हाइपर एनएफटी का नया अकाउंट बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब एसोसिएशन के लिए गए सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, तो उन्होंने हाइपरवर्स का जो एक्चुअल डिटेल्स था यानी कि यूजर नेम और ईमेल आईडी, ठीक है, वही डाला, और फिर उसी एनएफटी को हाइपर नेशन के अंदर नया अकाउंट क्रिएट करके नए ईमेल से वहां पर ट्रांसफर कर लिया, तो वो इजीली हो गया, उसमें वो कोई एरर नहीं आई जो आती है ना कि यूजर नेम इज ऑलरेडी एसोसिएटेड, वो पहले से गूगल फॉर्म भरे थे इसलिए हो गया सर, नहीं तो उनको हाइपरवर्स का ईमेल चेंज नहीं करना पड़ा। तो फिर वहां पे मेल कौन से डाले, वो नया वाला डाले होंगे फिर? नहीं पुराना ही डाले हाइपरवर्स का एसोसिएशन के टाइम पे, लेकिन हाइपर नेशन में नए ईमेल से अकाउंट क्रिएट किया और वहां पे लेके गए, ठीक है, और HNFT में भी नए ईमेल से लॉगिन किया और उससे बाय किया। लेकिन जब एसोसिएशन आया, तो उन्होंने क्या किया, ये पुराना वाला ईमेल डाला जो हाइपरवर्स के अंदर है। तो सर आपको भी यही करना पड़ेगा, आप क्या करो अभी है ना सबसे पहले नए अकाउंट से एक NFT बाय कर लो, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो जाएगी। सर नया अकाउंट तो बनाया है सर, नया अकाउंट भी बनाया है सर, लेकिन जो यूजर नेम है हाइपरवर्स का, हाँ वो यूजर नेम नहीं ले रहा है सर, वो क्या समझ गया। आप है ना वो गूगल फॉर्म भर के भेज दो, और गूगल फॉर्म आपका जब आप भेज देते हो ना तो एक बार डिटेल्स भी फॉरवर्ड कर दो JP सर को, JP सर क्या करेंगे फॉलो अप ले लेंगे, ठीक है, आगे टीम से इनको साथ लेना है, और वहां से जब कंफर्मेशन आएगा उसके बाद आपको सबमिट फॉर वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस करना है हाइपरवर्स के ईमेल आईडी और यूजर नेम के साथ, और हाइपरवर्स के अंदर अभी ईमेल चेंज मत कीजिएगा, ठीक है सर, अभी वही रहने दो सर। कल एक दिए थे राकेश जी, कल उसका रिप्लाई आया क्या, कल सेम यही प्रॉब्लम थी सर, ये इन्हीं का प्रॉब्लम था। अच्छा इन्हीं का प्रॉब्लम था वो जी, हम अच्छा मैंने भेजा था ना किसको कर देना, हाँ यस आपके लिए प्रॉब्लम, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया ना एडी का? नहीं सर उसका रिप्लाई आया था, बोला कि ये तो एसोसिएट है वो। हाँ। सर गूगल फॉर्म वाले सर, मेरे भी दिमाग से गूगल फॉर्म निकल गया था, नहीं तो मेन प्रोसेस तो वही था। चलिए मैं आपको गूगल फॉर्म ग्रुप में थोड़ा सा डाल दीजिए, इसी में चैट पे कर दीजिए, तो आकाश जी आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। सर ये जो NFT दूसरे अकाउंट है सर, उसके में NFT आ गई सर अभी, तो उसका अभी ट्रांसफर करना है सर, तो कैसे मुझे पता नहीं। इतना क्लास आप तो यार लीडर हो, इतना क्लास चलाता आप नहीं कर पाओगे? नहीं सर अभी हाइपर नेशन में आ गया है सर, और स्क्रीन शेयर करिए राजेश सर, वो ऑप्शन दे दीजिएगा बिना होस्ट, बिना को होस्ट वाला, ठीक है सर दे दे। मेरा विकास किसान दे दिए सर स्क्रीन शेयर। ये देखो सर ये एनएफपी तो आया है, इसमें यहाँ तो आ गया है एनएफपी, नहीं ये दूसरा अकाउंट है सर, अभी ये ट्रांसफर करके ऑप्शन है सर, ये कैसा करना है सर? यहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है, ये तो आपकी एनएफपी आ गई है, यहाँ कुछ नहीं करना है, हाइपर नेशनल एनएफपी आ गई है, इसमें क्या करोगे?
अभी कुछ भी नहीं करना है सर? नहीं यहाँ कुछ नहीं करना, हाइबरनेशन में आ गई बस हो गया, यही इतने काम है। ऐसा जब भी कुछ प्रॉब्लम हो ना तो आप एक्चुअल डिटेल्स है ना लिख लीजिए पहले एक बार कि आपने क्या क्या किया था, और वो आप जेपी सर को प्रोवाइड करोगे तो हेल्प करने में आसानी रहेगी, नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी आगे चलो। अभी स्क्रीन शेयर आप कर लीजिए। ये सर गूगल फॉर्म चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, जिसको लेना है अपना वहां से ले लेगा। नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, मैं येलो बैग येलो वाला जो है पर्पल ले लिया था, लेने के बाद हाइबरनेशन में कुछ दिक्कत। येलो ले लिए हैं कि पर्पल ले लिए हैं? नहीं येलो येलो। हाँ फिर उसमें कुणाल जी ने कहा था कि आप देखिएगा कल करवाए थे, लेकिन आप कुछ दिखला नहीं रहा उसमें। कुणाल जी करवाए हैं तो बढ़िया करवाए होंगे सर, वो दिख जाएगा। कुणाल जी से एक बार बोलिए दिखा देंगे वो। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में जैसा पूछ लीजिएगा वाले से। ठीक है ठीक है, स्क्रीन शेयर करिए आप। हाइबरनेशन में गया है ना आपका, ट्रांसफर हो गया है? तो गया है सर, कहाँ नहीं दिखला रहा है? स्टॉप शेयर करिए, अभी हो गया, कंप्लीट है आपका। देखिए बेवजह टाइम वेस्ट करिए कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा एनएफटी आ गया है।